1896 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बंगाल में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान विभिन्न रैलियों में जोश भरने के लिए ये गीत गाया जाने लगा। धीरे धीरे ये गीत लोगों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया था। 1876 में बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में बंकिम चंद चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की। भारत की आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 1908 में आज एक दिन इटली के शहर मैसिना में यूरोपीय इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप आया था। इस भूकंप से आई सुनामी ने कई शहरों को तबाह कर दिया था और 100,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भूकंप का केंद्र मैसिना और कालाब्रिया के बीच बना जलमार्ग था। पानी के भीतर भूकंप आने के बाद समंदर में सुनामी आ गई, जिस कारण 39 मीटर ऊंची लहरें उठी। इन लहरों ने पास के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 नापी गई थी और इसके झटके 300 किलोमीटर तक महसूस किए गए थे। महीनों तक राहत और बचाव का काम जारी रहा। भूकंप और सुनामी के 18 दिन बाद राहत कर्मियों ने 2 बच्चों को जिंदा बचा लिया था, लेकिन एक के बाद एक आई प्राकृतिक आपदाओं से मैसिना और रेजो कालाब्रिया समेत कई तटीय शहर तबाह हो गए थे। 1928 में आज ही के दिन कोलकाता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई। इसके साथ ही मेलोडी ऑफ लव भारत में प्रदर्शित होने वाली पहली हॉलीवुड की फिल्म बन गई। इस फिल्म का निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने किया और इसमें मुख्य भूमिका में अभिनेता वॉल्टर पीजेन और अभिनेत्री मिल्ड्रेज ने निभाई थी। विश्व युद्ध पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोरी। भारत में इंपीरियल फिल्म कंपनी के मालिक अर्देशिर ईरानी ने 1929 में बम्बई में मेलोडी ऑफ लव देखी और इससे प्रेरित होकर बॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया। 1977 में आज ही दिन छायावादी युग के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ था। पंत का जन्म अल्मोड़ा के कैसोनी गांव में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। निसर्ग के उपादानों का प्रतीक व बिंब के रूप में प्रयोग उनके काव्य की विशेषता रही है। उच्छावास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, पल्लवणी, मधुज्वाला, मानसी, वाणी, युगपथ, सत्यकाम उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संकलित हैं। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से सम्मानित किया गया। और 2003 में आज एक दिन ब्रिटेन ने अमेरिका में मौजूद अपने कुछ विमानों में स्काई मार्शल यानी सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला लिया था। यह खबर आई थी कि चरमपंथी फ्रांस के एक विमान को अगवा कर उसे किसी अमेरिकी शहर पर हमले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अमेरिका ने राष्ट्रीय स्तर पर अलर्ट की घोषणा कर दी थी और एयरलाइन सुरक्षा कड़ी कर दी थी। हालांकि ब्रिटेन के इस फैसले का वहां के एयरलाइन पायलट एसोसिएशन बालपा ने विरोध किया था। बालपा का कहना था कि पायलट विमानों पर बंदूकें नहीं चाहते क्योंकि इससे खतरा है, बेहतर ये होगा कि हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। बहरहाल ब्रिटिश सरकार के फैसले से 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने विमानों में स्काई मार्शल तैनात करने का फैसला लिया था।